नमस्कार दोस्तों, तो भारतीय टीम इंदौर टेस्ट 9 विकेटों से हार चुकी है और इस हार के भारतीय टीम के लिए 5 कारण रहे हैं और अपने इस रिपोर्ट में हम देखेंगे किन 5 कारणों से भारतीय टीम को इंदौर टेस्ट हारना पड़ा। तो आप अगर भारतीय सरजमी पे या अपनी सरजमी पे 3 दिन के अंदर कोई टेस्ट मैच हार जाते हैं, वो भी 9 विकेटों से अगर आपको विरोधी टीम पस्त कर देती है, तो उस हार की जरूर समीक्षा होना चाहिए और हम अपने इस रिपोर्ट में इसी समीक्षा को लेकर उपस्थित हैं और देखेंगे कि किन 5 कारणों की वजह से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में विफल रही और अब उनके जो चांसेज हो गए हैं WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए, वो अहमदाबाद के टेस्ट पर काफ़ी कुछ निर्भर करने लगे हैं और जहां पे भारतीय टीम को आसानी से जिन परिस्थितियों में जीतना चाहिए वहां उनको करारी शिकस्त मिली है। तो अगर हम नज़र डालें भारतीय टीम की हार की 5 वजहों पर, तो पहले हार के कारण थे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की खराब कप्तानी। तो यहाँ पे भारतीय कप्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। यहाँ पे बहुत बड़ी चूक हुई। अगर हम बात करें स्टीव स्मिथ के स्टेटमेंट की, तो स्टीव स्मिथ ने कहा कि वो लोग लकी थे कि यहाँ पे टॉस जीतने के बाद उनको पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। अगर हम थोड़ी सी समीक्षा करें इस बात की, तो यहाँ पे ये फायदा मिलता है कि जहाँ पे पहले दिन से टर्निंग ट्रैक होती है, जब बॉल थोड़ा सा हार्ड होती है तो वहाँ उस बॉल को ज़्यादा टर्न मिलती है और स्पिनरों को ज़्यादा एडवांटेज होता है, जिस कारण अगर हम देखें पहले और दूसरे टेस्ट मैचों में जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की थी तो वहाँ पे भी उनका लचर प्रदर्शन था और यहाँ पे जब हार्ड बॉल थी तब अच्छे तरीके से कूनेमन और नाथन लायन ने उसका उपयोग किया और भारतीय टीम को 109 रनों पर बुक कर दिया। फिर जब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी आई तब तक बॉल सॉफ्ट हो गई थी और भारतीय गेंदबाजों के लिए उतना मददगार नहीं रह गई थी बॉल जितनी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए थी। अगर हम बात करें अनडिसीजन की, जो भारतीय कप्तान ने अपने कप्तानी में खराब फैसला लिया, वो ये कि उमेश यादव और अक्षर पटेल का काफ़ी कम उपयोग किया भारतीय कप्तान ने गेंदबाजी में, वहीं अश्विन अय्यर और जडेजा के बल्लेबाजी क्रम में छेड़छाड़ किया। अक्षर पटेल जो काफ़ी ही बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे थे, अश्विन भी बेहतरीन फॉर्म में थे और जडेजा भी बेहतरीन फॉर्म में थे, लेकिन उनके बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल हुआ जिस कारण इन तीनों इन फॉर्म बैटर्स के बल्ले से रन नहीं आए। वहीं अगर हम बात करें भारतीय कप्तान की, तो वो खुद बल्लेबाजी से उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाए और दोनों ही पारियों में विफल रहे। भारतीय कप्तान काफ़ी इनफॉर्म बैटर थे और उनके ऊपर भारतीय बैटिंग ऑर्डर काफ़ी डिपेंडेंट थी, लेकिन इस दो मैच के दोनों पारियों में 12 रनों का मात्र स्कोर किया भारतीय कप्तान ने और वहीं से भारतीय टीम का मोमेंटम भी शिफ्ट हो गया था, इस मैच का मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अगर हम बात करें हार के दूसरे कारण की, वो ये विराट कोहली का फॉर्म। विराट कोहली ने एक बार फिर भारतीय टीम को निराश किया। तीसरे टेस्ट मैच की दोनों ही पारियों में उनका बल्ला नहीं बोला। पहली पारी में भारतीय कप्तान ने 22 रन बनाए थे, तो वहीं दूसरी पारी में मात्र 13 रन का स्कोर किया। वहीं अगर हम बात करें जो तीसरा हार का कारण था भारतीय टीम का, वो नाथन लायन की जबरदस्त गेंदबाजी थी। नाथन लायन ने पहले पारी में भी 3 विकेट झटके, वहीं दूसरे पारी में 8 विकेट अपने नाम किया और इस समय वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए हैं इतिहास के और उन्होंने भारतीय दिग्गज गेंदबाज अनिल कुंबले को इस मामले में पीछे कर दिया है। नाथन लायन के फिरकी में भारतीय बल्लेबाज बच कर रह गए और पूरी तरीके से विफल हो गए, जिस कारण ऑस्ट्रेलिया टीम ये मैच अपने नाम करने में सफल रह गई और WTC के फाइनल में भी। अगर हम बात करें हार के चौथे कारण की, तो जडेजा और उनके नो बॉल का रिश्ता रहा। यहाँ पे भारतीय टीम जब एक वक्त 109 रनों पे ऑल आउट हो गई थी, तो भारतीय गेंदबाजों का ये काम था कि जल्द से जल्द कुछ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दें और उस काम करने में भारतीय गेंदबाज सफल हो गए थे, लेकिन जडेजा ने लबुशेन को जब 0 पे आउट कर दिया, वो बॉल नो बॉल निकली और स्पिन गेंदबाजों का टेस्ट क्रिकेट में नो बॉल फेंकना एक क्राइम के रूप में माना जाता है और वही क्राइम फिर से एक बार जडेजा करते आए। ये ऐसा मामला नहीं था कि पहली बार इस सीरीज में जडेजा ने नो बॉल फेंका था, बल्कि इससे पहले जो 2 टेस्ट मैच खेले गए थे उसमें भी जडेजा ने नो बॉल फेंके थे और विकेट भी लिया था उन नो बॉल पे, लेकिन वहां पे भारतीय टीम मजबूत स्थिति में थी इसलिए उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में जब भारतीय टीम को विकेट की सख्त आवश्यकता थी, वो भी लबुशेन जैसे बल्लेबाज की, वहां पे जडेजा ने विकेट तो दिलाया लेकिन नो बॉल पे उनको जीवन दान दे दिया, जिस कारण लबुशेन ने ख्वाजा के साथ मिलकर एक जबरदस्त पार्टनरशिप कर दी और वहां से पूरे मैच का मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जडेजा और उनका नो बॉल भारतीय टीम के लिए फिर से एक बार घातक साबित हुआ इस मैच में। वहीं जो 5वें हार के कारण रहे भारतीय टीम के, वो रहा श्रीकर भारत का आउट ऑफ फॉर्म होना।
शिखर भरत एक भारतीय ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज को रिप्लेस कर रहे हैं जिन्होंने काफी इंपैक्ट अपने छोटे से टेस्ट कैरियर में छोड़ा था, लेकिन भरत वो मुकाम हासिल करने में अभी काफी विफल रहे हैं। किसी भी पारी में इंपैक्टफुल इनिंग नहीं खेल पाए हैं भरत, और काफी ही लचर प्रदर्शन रहा है इस टेस्ट मैच में भी भरत का। दोनों पारियों को अगर हम मिला लें शिखर भरत के, तो 20 रन उन्होंने मात्र बनाए हैं, और अगर हम बात करें उनके विकेट कीपिंग स्किल की तो वहां पे भी वो ऑर्डिनरी विकेट कीपर की तरह विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शिखर भरत पे साफ दबाव झलक रहा है, और अब हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द शिखर भरत जिस हिसाब से डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में प्रदर्शन करते हैं उसी तरीके का प्रदर्शन वो भारत के लिए भी करें। इन 5 कारणों की वजह से भारतीय टीम को तीसरे टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अहमदाबाद टेस्ट में भारतीय टीम इस हार की समीक्षा करेगी और अपने जो गलतियां उन्होंने की हैं उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराएंगे और जबरदस्त वापसी करेंगे और चौथा टेस्ट मैच जीतकर WTC के फाइनल में भी अपनी जगह सुनिश्चित करेंगे। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।